एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ब्लेड को कहीं से आते हुए देख पाते हैं। वहीं पर उसके तलवार पर बहुत ज्यादा खून लगा हुआ होता है और हमें पता चलता है कि ब्लेड ने अपने सभी दोस्तों को मार दिया था। तभी उसके सामने सोफी आ जाती है और वो ब्लेड से बोलती है कि मैं तुमसे बहुत दिनों से लड़ना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं होल्ड बैक ना करूँ तो मैं तुमसे जीत सकती हूँ। ब्लेड बोलता है कि तो चलो इसका पता लगाते हैं। ठीक तभी सोफी अपना आर्टिफिशियल ग्रेट हीरो का पावर यूज करती है और टाइम को स्टॉप कर देती है। फिर वो ब्लेड के पास जाकर ब्लेड को कई जगह पर बार करती है, लेकिन जब टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है तो सोफी देखती है कि ब्लेड को तो कुछ भी नहीं हुआ, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से सोफी का गला पकड़ता है और सोफी को दीवार पर दे मारता है और ब्लेड सोफी से बोलता है तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, और ये बोलने के बाद वो अपना तलवार लेकर सोफी के पेट में घुसा देता है। इसके बाद सोफी वहीं पर ही मारी जाती है। इसके बाद ब्लेड सोचने लगता है मुझे लगा था कि मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन हूँ तो फिर मुझे ये सब और नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे साथ ये क्या हो रहा है। और इसके बाद ही वो किंग को बुलाने लगता है और बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर किंग आ जाते हैं और वो बोलते हैं तो कैसा लगा ये वर्चुअल रियलिटी, ये एक साइंस का मशीन है जिसके मदद से तुम वर्चुअल रियलिटी के अंदर जा सकते हो और ये बिल्कुल तुम्हें असली के जैसा लगेगा, तो तुम्हें कैसा लग रहा है। ये सब सुनने के बाद ब्लेड बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही रियल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रियल लोगों को ही मार रहा हूँ और मुझे मेरे दोस्तों को मारने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, इसलिए तुम प्लीज कुछ चेंज कर दो। ये सुनने के बाद किंग बैकग्राउंड को ही चेंज कर देता है और वो रियलिस्टिक बैकग्राउंड के बजाय एक फनी बैकग्राउंड ला देता है। और किंग ये भी बोलता है जो भी इस वर्चुअल रियलिटी गेम को जीतेगा उसे वर्चुअल रियलिटी मशीन जैसे चाहे वो यूज कर पाएगा। वहीं पर ब्लेड आगे जा रहा होता है और तभी हम लियोनार्ड को देख पाते है जो कि अपना वेपन लेकर और बोलता है आर्नेस्ट आज तो मैं तुमको हरा कर ही रहूंगा। वहीं पर आर्नेस्ट तो बिल्कुल पागल की तरह बिहेव कर होती है और वो तो एक ही बार में लियोनार्ड का दो टुकड़ा कर देती है और इसके बाद वो तो लियोनार्ड के ऊपर तलवार से बार करी जा रही होती है। वहीं पर आर्नेस्ट तो बिल्कुल डीमन के जैसा बन गई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लेड के और दो दोस्तों को देख पाते हैं जहाँ पर की क्लेयर और एसिका होती है और वो दोनों दो लड़कों से लड़ रही होती है। वहीं पर एक लड़का बोलता है कि तुम दोनों हम दोनों को कभी भी हरा नहीं पाओगे, तुम लोग तो हमें ट्रेनिंग में भी कभी भी हरा नहीं पाए। जो सुनने के बाद एसिका बोलती है ये तो भक्ति बताएगा। जिसके बाद उन दोनों के अंदर कुछ अलग ही जोश आ जाता है और फिर क्लेयर जाकर एक बंदे को मार देती है, जिसके बाद एसिका भी दूसरे बंदे को मार देती है और इसी तरह ये दोनों लड़कियां उस बैटल में जीत जाती है और एक काफी ज्यादा खुश भी होती है। तभी वहाँ पर हिलते ढुलते आर्नेस्ट आ जाती है जो कि पूरा तरीके से पागल हो जाती है और वो ब्लेड को देखकर बोलती है ब्लेड आज तो मैं तुमको मार कर ही रहूंगी। वहीं पर ये देखकर ब्लेड बोलता है आर्नेस्ट तुम तो बिल्कुल डीमन की तरह हो गई हो और इस वक्त तो सिर्फ मैं ही तुमको रोक सकता। ठीक तभी आर्नेस्ट एकदम पागल की तरह ब्लेड की तरफ बहुत ही तेजी से दौड़ने लग जाती है। ये देखकर ब्लेड आर्नेस्ट की तरफ एक दूर से ही एक वाइंड अटैक करता है जिस वजह से आर्नेस्ट बहुत ही आसानी से हार जाती है और इसी के साथ ही ब्लेड इस वर्चुअल रियलिटी गेम को जीत जाता है। देन अगले सीन में हम देख पाते है कि सारे लोग तो पहले से ही उड़ गए होते है और ब्लेड एकदम लास्ट में उठता है। तभी किंग भी अनाउंस कर देते है कि ब्लेड इस गेम में जीत गया है, जो सुनने के बाद क्यू भी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका पेरेंट जीत गया है। वहीं पर बाकी तो काफी ज्यादा उदास होते हैं कि क्योंकि वो लोग जीत नहीं पाए। वही आर्नेस्ट तो रोने लगती है और बोलती है पता नहीं गेम के अंदर मैं क्या क्या हरकतें कर रही थी। वही दूर से किंग इन लोगों को देखकर हंस रहा होता है और बोलते हैं कि ये बच्चे तो बहुत ही ज्यादा मजा किया है। ठीक तभी जो ब्लेड होता है वो किंग के पास आकर वर्चुअल रियलिटी का जो मशीन है उसका डिफिकल्टी बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और फिर वो उस गेम का कनेक्टर निकल कर किंग के माथे पर लगा देता है, जिस वजह से किंग तो उस गेम के अंदर चले जाते हैं। वही पर ब्लेड किंग के असिस्टेंट से बोलता है शाम तक इनको यहीं पर ही रहने दो क्योंकि ये इनका पनिशमेंट है, जिसमें कि किंग का असिस्टेंट भी मान जाती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत करो मैं इनको यहीं पर ही रहने के दूंगी। जिसके अगले पल हम किंग को देख पाते हैं जिसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और किंग तो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। अब अगले पल ही हम ब्लेड को देख पाते हैं जो कि कैंटीन में बहुत ज्यादा खाना खा रहा होता है। वहीं पर साइड में हम ब्लेड के और दो लड़के दोस्त को देख पाते हैं जो कि दो लड़कियों से हार गए होते हैं, जो देखने के बाद क्लेयर और एसिका बोलती है कि आखिरकार वो दोनों लड़के इतने दूर क्यों बैठे हैं और वो दोनों तो हमारे साथ खाना भी नहीं खा रहे हैं, आखिरकार क्या हुआ है। तभी ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों ने उन दोनों लड़के को इतना ज्यादा बुरी तरीके से हराए हो, जिसके वजह से तो वो दोनों लड़के और भी ज्यादा दुखी हो गए हैं। और ब्लेड का ये बात वो दोनों लड़के भी सुन लेते हैं, जिसके वजह से वो दोनों दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। वही साइड से आर्नेस्ट बोलती है कि ब्लेड तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो ब्लेड बोलता है मैंने गलत क्या बोला। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि सभी लोग एक साथ नहा रहे होते हैं क्योंकि ये लोग एक मिक्स्ड
बात ले रहे होते हैं और उस बात के अंदर सभी लोग मजा कर रहे होते हैं। वहीं पर ब्लेड और डियोना तो एक साथ बात कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर मारिया भी आ जाती है और वो भी उन लोगों के साथ नहाने लग जाती है। दूसरी तरफ जो येसिका होती है वो तो लड़कों को अपने फिगर दिखाने लग जाती है, जिस वजह से तो सभी लड़के बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते है। दूसरी तरफ हम वही दो लड़के को देख पाते है जो की अभी भी बहुत ज्यादा दुखी होते है। तभी वहाँ पर आनेश भी आ जाती है जो की बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है और वो अपने आप को एक टॉवल से लपेटी होती है। ठीक तभी वहाँ पर एक ऊंची जगह पर किंग आ जाते हैं और उनका जो हाथी का सूंड है वो तो लटक रहा होता है, जो देखने के बाद तो सभी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर किंग तो बहुत ज्यादा जोश में होते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, आज सभी को शर्माना बंद करना पड़ेगा और सभी को अपना बिकिनी में इस बात में नहाना पड़ेगा। और वो ये भी बोलते है, आखिरकार मैंने ये बात क्यों बनाया, ताकि हम सभी एक साथ नहा पाए और मैं सभी लड़कियों को बिकिनी में देखना चाहता हूँ, इसलिए आर्नेस्ट अपने टॉवल को हटा दो। जो सुनने के बाद तो सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा अजीब सा मुंह बना लेती है और आर्नेस्ट बोलती है, किसी भी हालत में मैं अपना टॉवल नहीं उतारूंगी। तभी किंग बोलते है, लड़को क्या तुम आर्नेस्ट को बिकिनी में देखना चाहते हो। जो सुनने के बाद तो लड़कों के अंदर भी बहुत ही ज्यादा जोश आ जाता है और वो बोलते है कि हाँ जरूर। दूसरी तरफ जो बाकी लड़कियां होती है वो आर्नेस्ट को बोलती है, आर्नेस्ट सिर्फ टॉवल को उतार दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये सुनने के बाद भी आर्नेस्ट उन लोगों को मना करती है। तभी वो लड़कियां बोलने लगती है, जब तुम डीमन मोड को ऑन करते हो तब तो तुम नंगी हो जाती हो। जिसमें आर्नेस्ट बोलती है, क्योंकि उस समय तो मैं लड़ रही होती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अलग चीज है। दूसरी तरफ किंग भी बहुत ज्यादा जीत कर रहे होते हैं, जिस वजह से जो किंग की असिस्टेंट है वो तो किंग को एक जोरदार दे मारती है और फिर किंग की असिस्टेंट किंग को वहाँ से उठाकर लेकर जा रही होती है। और अंत में जो आर्नेस्ट होती है वो भी मान जाती है और वो अपना टॉवल उतार देती है। फिर वो ब्लेड के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बोलती है, तुम मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखना। जिसमें ब्लेड बोलता है कि ठीक है। इसके बाद जो क्लेयर वो एसिका है वो तो उन दोनों उदास लड़कों के पास जाकर बात करने जाती है और वो लोग उनको समझाने जाते हैं। लेकिन अनजाने में तो क्लेयर और एसिका उन दोनों लड़कों को और भी ज्यादा हर्ट कर देती है, जिस वजह से वो दोनों लड़के और भी ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर क्लेयर और एसिका ये भी बोलते है कि हमें माफ कर देना क्योंकि हम लोग जीत गए। जो सुनने के बाद वो दोनों लड़के इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो लोग तो रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। और यही पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम उन दोनों लड़के को ब्लेड के पास देख पाते हैं, जहाँ पर ये दोनों ब्लेड से मदद मांगने आए होते हैं। वहीं पर ब्लेड बोलता है, आखिरकार तुम दोनों इतने ज्यादा उदास क्यों हो, तुम तो एक लड़की से ही तो हारे हो। जिसमें वो दोनों लड़के बोलने लगते है, तुम्हें ऐसा कभी भी फील नहीं होगा क्योंकि तुम अभी तक किसी से नहीं हारे हो। और हमें पता चलता है कि ये दोनों लड़के तो उन दोनों लड़कियों को पसंद भी करते हैं। जो सुनने के बाद ब्लेड बोलता है, मैं भी तो उन दोनों को पसंद करता हूँ। और ये सुनकर तो वो दोनों लड़के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम तो सोफी और आर्नेस्ट को पसंद करते थे। जिसमें ब्लेड बोलता है, मैं तो सभी को पसंद करता हूँ, मैं तो तुम दोनों को भी पसंद करता हूँ। फिर वो दोनों लड़के बोलने लगते है, हम दोनों उन दोनों लड़कियों को थोड़ा और तरीके से पसंद करते है, मतलब कि तुम जैसा पसंद करते हो ऐसा नहीं, उससे भी ज्यादा। और ठीक तभी वहाँ पर विंडो से क्यू आ जाती है, जो देख कर तो वो दोनों लड़के काफी ज्यादा डर जाते है और क्यू उन दोनों को सलाह देने लगती है और बोलती है, लड़कियों को हमेशा ताकतवर लड़के पसंद आते है, इसलिए तुम दोनों को ताकतवर बनने पड़ेगा और तुम दोनों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा और तुम लोगों को ट्रेनिंग देगा ब्लेड। वही दूसरी तरफ हम बहुत सारे लड़कियों को आर्नेस्ट के कमरे में देख पाते हैं, जो कि एक साथ मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। और यही बार क्लेयर और एसिका भी उन दोनों लड़कों को लेकर बात कर रहे होते है। और ठीक तभी वहाँ पर क्यू आ जाती है और वो सभी को बोलने लगती है, लड़कों को हमेशा स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ पसंद आती है, इसलिए तुम दोनों को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जो सुनने के बाद आर्नेस्ट भी उन दोनों लड़कियों को ताकतवर होने के लिए बोलती है। वहीं पर क्यू तो उन लड़कियों के सारा खाना भी खा लेती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ब्लेड उन दोनों लड़कों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दे रहा होता है। वहीं पर वो दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। और ब्लेड उन दोनों को ये भी बोलता है कि अगर तुम बैटल में जीत जाओ तो तुम दोनों अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देना। और फाइनली जो बैटल होता है वो स्टार्ट होने वाला होता है और रेफरी ब्लेड और आर्नेस्ट होती है। इसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो वो दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों के ऊपर हमला कर देते है। और वो दोनों लड़के तो पहले बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ रहे थे, लेकिन वो दोनों लड़कियां भी बहुत ही आसानी से उन दोनों लड़कों के अटैक को डॉच कर लेती है, जो देखकर ब्लेड भी बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। और वो आर्नेस्ट से पूछता है, क्या तुमने उन दोनों लड़कियों को ट्रेनिंग दिया है। जिसमें
आर्नेस्ट हाँ बोलती है। फिर अंत में वो दोनों लड़कियां अपना पूरी पावर यूज करके उन दोनों लड़कों को बहुत ही आसानी से हरा देती है। लेकिन फिर भी जब फाइट खत्म होती है तो वो दोनों लड़के थोड़ा सा बेहतर महसूस करते हैं और उन दोनों लड़कियों से हाथ मिलाते हैं। और फिर वो दोनों लड़के उन दोनों लड़कियों से पूछते हैं कि आखिरकार तुम दोनों को फाइटिंग स्पिरिट पहचानना कैसे आया। तो फिर एसिका और क्लेयर बताने लगती है कि हम दोनों को तो सोफी, आर्नेस्ट और भी बहुत सारी लड़कियों ने मिलकर ट्रेनिंग दिया है। और ये सुनने के बाद वो दोनों लड़के बताने लगते हैं कि ये तो बहुत ही बड़ा चीटिंग हो गया, क्योंकि हम दोनों को तो सिर्फ ब्लेड ने अकेले ही ट्रेनिंग दिया है। और ये सुनने के बाद तो साइड से आर्नेस्ट आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है कि आखिरकार ये चीटिंग करने की क्या बात है, तुम दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा अजीब हो। अगर तुम दोनों को फीलिंग्स कन्फेस करना ही है तो बैटल में जीतना वितना कुछ नहीं होता, ऐसे ही कर दो ना। और आर्नेस्ट को गुस्सा होते हुए देखकर ब्लेड काफी ज्यादा कन्फ्यूज होता है और बोलता है आखिरकार आर्नेस्ट इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 7 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।